फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। इससे पहले थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ भी अपलोड हो चुका है। जो विटेकर का फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें आज हम जो प्रत्येक किंगडम है उसी से शुरुआत कर रहे हैं। पांचों किंगडम को पांच लेक्चर में पूरा करेंगे। तो आज शुरू करते हैं पहले मोनेरा किंगडम से। किंगडम मोनेरा से शुरुआत करते हैं। मोनेरा में ये पहला किंगडम है जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो पिछला वीडियो तो वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से अपलोड है, उसे देख लें। और अब जो है क्योंकि ये पांचों ही किंगडम काफी महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अलग से एक एक लेक्चर लेना जरूरी है। तो इस क्रम में पहला लेक्चर है मोनेरा पे। किंगडम मोनेरा में कौन कौन से जीवों को शामिल किया जाता है? मोनेरा में उन जीवों को शामिल किया जाता है जो प्रोकैरियोटिक होते हैं। पहली सबसे बड़ी बात कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, उन्हीं को जो है मोनेरा किंगडम में शामिल किया जाता है। जितने भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, उन्हें मोनेरा में शामिल किया जाता है। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब हो गया कि इनकी कोशिका में न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा और ना ही कोई सेल ऑर्गेनेल ही उपस्थित होता है। यूनिसेलुलर का मतलब हो गया कि एक ही सेल के बने होते हैं, उनकी पूरी बॉडी एक ही सेल की बनी होती है। ये सभी जो है माइक्रोब्स होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव होते हैं। इनकी साइज बहुत ज्यादा छोटी होती है, बिना माइक्रोब्स के या बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इनको देख पाना संभव नहीं है। और ये बहुत ही प्रिमिटिव किस्म के जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब अर्थ की ओरिजिन हो रही थी, जब जीवन पनप रहा था, तभी ये जो है इस किंगडम के जो है ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए थे। ये यूनिवर्सल होते हैं, कहने का मतलब ये है कि ये हर जगह पाए जाते हैं। हर जगह मतलब पहाड़, पहाड़ी, जंगल, जमीन, सब जगह पे ये पाए जाते हैं। डाइवर्स हैबिटेट है, मतलब ये हो गया कि ये हर तरह के, चाहे जमीन हो, जल हो, जंगल हो, सब जगह पे इनकी मौजूदगी होती है। ये शरीर में भी पाए जाते हैं, शरीर के बाहर भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, थल में भी पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये डाइवर्स हैबिटेट्स में या डाइवर्स लोकेशंस पे पाए जाते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसके बेसिस पे मोनेरा का क्लासिफिकेशन किया गया है। जिन जीवों में इतना कैरेक्टर होगा उन सबको रखा जाएगा किसमें? किंगडम मोनेरा में। अब किंगडम मोनेरा में कौन कौन से जीव को शामिल किया जाता है? किंगडम मोनेरा में शामिल किया जाता है बैक्टीरिया को, आर्कीबैक्टीरिया को, माइकोप्लाज्मा को और साइनोबैक्टीरिया को। कुल चार मेन ग्रुप्स हैं जिनको जो है मोनेरा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। पहला ग्रुप है बैक्टीरिया का, दूसरा आर्कीबैक्टीरिया, तीसरा माइकोप्लाज्मा और चौथा ग्रुप है साइनोबैक्टीरिया का। अब एक एक ग्रुप को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बैक्टीरिया का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, उसकी मार्फोलॉजी कैसे होती है और ये कहां कहां पे पाए जाते हैं। तो ये इतना कैरेक्टर तो सब में कॉमन होगा, ये वाला इतना कैरेक्टर इन चारों में कॉमन होगा, तभी तो इनको मोनेरा में रखा गया है। तो इसे बताने की जरूरत नहीं है, ये सारे कैरेक्टर इन सबों में कॉमन है, ये सब में पाया ही पाया जाएगा। जो बच रहा है उसे देख लेते हैं कि और कौन कौन से फीचर्स हैं जिनको जानना जरूरी है। बैक्टीरिया क्या होते हैं? ये भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सभी जो है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। बैक्टीरिया जो है ये बहुत ही प्रिमिटिव हैं, ये भी प्रिमिटिव हैं और डाइवर्स हैबिटेट में पाए जाते हैं। ये जो है या तो ऑटोट्रॉफिक होंगे या तो हेटरोट्रॉफिक होंगे। ऑटोट्रॉफिक होंगे या हेटरोट्रॉफिक होंगे? ऑटोट्रॉफिक होंगे तो अपना फूड जो है स्वयं बना लेंगे, अपना भोजन स्वयं बना लेंगे। अगर हेटरोट्रॉफिक होंगे तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाएंगे और जो है भोजन के लिए किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या फिर डेड मैटर पे जिंदा रहेंगे, तो वो हेटरोट्रॉफिक होंगे। और बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया का सेल होता है, बैक्टीरिया कुछ इस तरह से दिखता है। ये हो गया बैक्टीरिया, सबसे बाहर का जो होगा वो होगा सेलवाल। इनकी सेलवाल जो है वो बनी होती है
पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है, सेल वॉल इनकी पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। उसके नीचे पाया जाएगा सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, इसलिए जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ रहता है। और कोई भी होता है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। इनमें जो राइबोसोम्स होता है, जैसे ये राइबोसोम्स अगर है तो 70S प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 70S प्रकार का। 70S जो है इसकी साइज है, यस मतलब स्वेडबर्ग यूनिट है, ठीक है ना, जैसे मीटर एक यूनिट है, सेकंड एक यूनिट है, वैसे स्वेडबर्ग एक यूनिट है। तो प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में जो राइबोसोम्स होता है वो 70S प्रकार का होता है। इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। और ये जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो ये एक फिगर है बैक्टीरियल सेल का। बैक्टीरिया बहुत ज्यादा डिफरेंट शेप के होते हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं, कुछ रॉड शेप होते हैं, कुछ जो है कामा शेप होते हैं, कामा लाइक होते हैं, कुछ जो होते हैं वो स्पाइरल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये डिफरेंट शेप में पाए जाते हैं। जो स्फेरिकल होते हैं उनको कोकाई कहा जाता है, जो रॉड शेप होते हैं उन्हें बैसिलस कहा जाता है, बैसिलस कहा जाता है। कॉमा शेप को विब्रियो कहते हैं, विब्रियो कहते हैं। और जो स्पाइरल है उसको स्पाइरिलम कहा जाता है। तो ये कुछ शेप हैं जिसमें बैक्टीरियल सेल होता है। अगर ये दो एक साथ पाए जाए तो इनको डिप्लोकोकस कहेंगे, डिप्लो मतलब दो, कोकस मतलब दो, तो उनको डिप्लोकोकस कहेंगे। अगर ये चेन में हो तो इसे स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे। आप फिगर में देख सकते हैं ढेर सारा फिगर, जो फिगर है ये इमेज, इसमें ढेर सारे शेप दिए गए हैं। तो ये ऑल अबाउट जो है बैक्टीरिया का हो गया। बैक्टीरिया के एग्जाम्पल आपको पता ही होंगे, ई कोलाई हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, जितने भी बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं उनके एग्जाम्पल आप नाम इसमें ले सकते हैं। तो बैक्टीरिया इतना क्लियर हो गया। अब आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं। आर्की बैक्टीरिया ये भी असल में बैक्टीरिया ही है, लेकिन जो है ये बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है, ये बैक्टीरिया से भी ज्यादा प्रिमिटिव है। और इनकी जो सेल वॉल होती है, यहां हमने कहा कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। लेकिन आर्किया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? वो सूडो, मतलब सूडो पेप्टाइड पेप्टिडोग्लाइकान कह सकते हो, या सूडो म्यूरिन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकान को म्यूरिन भी कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकान को म्यूरिन भी कहते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है आर्की बैक्टीरिया की, वो म्यूरिन ना होकर सूडो म्यूरिन होती है। और जो सबसे बड़ी विशेषता है आर्की बैक्टीरिया की कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, मतलब कि जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन हो, या फिर बहुत ज्यादा सैलिनिटी हो, पीएच बहुत ज्यादा ऊपर हो या कम हो, ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहां पर बैक्टीरिया नहीं मिलते हैं। तो ये ऐसी स्थानों पे पाए जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है उस स्थान पे कोई बैक्टीरिया पाया जा रहा है या आर्की बैक्टीरिया पाया जा रहा है तो उसको कहते हैं थर्मोफाइल्स। थर्मो मतलब टेम्परेचर, फाइल्स मतलब लव करने वाला, यानी टेम्परेचर को प्यार करने वाला, थर्मोफाइल्स कहलाएगा। अगर इसी प्रकार बहुत ज्यादा नमकीन या खारा वाले स्थान पे रहेगा तो उसको कहेंगे हैलोफाइल्स। क्या कहेंगे? हैलोफाइल्स, यानी साल्ट लविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये आर्की बैक्टीरिया का कुछ एग्जांपल हो गया। इसी में क्या है कि इसी का एक एग्जांपल है मिथेनोजेंस, नाम सुना होगा मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या है? आर्की बैक्टीरिया है। ये क्या करते हैं? ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। जो गोबर गैस होता है या बायोगैस पावर प्लांट होती है उसमें यही मिथेनोजेंस जो है मीथेन को प्रोड्यूस करता है, और इसी का प्रयोग खाना बनाने में या फिर लाइट जलाने में किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्की बैक्टीरिया। अब अगला जो
मेंबर है माइको मोनेरा का, वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि सब प्रोकैरियोटिक होंगे, पूरा मोनेरा ग्रुप ही प्रोकैरियोटिक का, तो ये भी प्रोकैरियोटिक होंगे, ये भी यूनिसेलुलर होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है इनके बारे में कि इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है, सेल वॉल इज अब्सेंट। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट होती है, तो सेल वॉल अब्सेंट होगी, यही सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया। यहाँ पे सेल वॉल में समय डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे जो है सेल वॉल जो थी वो म्यूरिन की थी या पेप्टिडोग्लाइकन की थी, आर्किबैक्टीरिया में सूडोम्यूरिन की थी, और माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल है ही नहीं। तो ये दिखते कैसे हैं आपको, ये इनका सेल कैसा होता है, ये कुछ ऐसे दिखते हैं, ठीक है, सेल वॉल नहीं है ये सब, ये सेल वॉल नहीं है, ये सब है ट्राइलैमिनर मेम्ब्रेन है। क्या है ये, क्योंकि तीन है ना, एक दो तीन, ये है ट्राइलैमिनर मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है, ट्राइलैमिनर मेम्ब्रेन इसे कहते हैं। ये जो बाहर वाली सबसे आउटर कवरिंग ये है, ये पूरा क्या कहलाती है, ट्राइलैमिनर मेम्ब्रेन कहलाती है। इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होगा क्योंकि प्रोकैरियोटिक है ही। जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऐसे पूरे ग्रुप पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, बाकी सब साइटोप्लाज्म से भरा रहता है। और ये जो है माइकोप्लाज्मा जो है ये एनएरोबिक कंडीशन में पाए जाते हैं, एनएरोबिक कंडीशन में पाए जाते हैं, मतलब ये है कि जहां पे ऑक्सीजन अब्सेंट होगा वहां पर ये पाए जाते हैं, जहां पे ऑक्सीजन अब्सेंट होगा वहीं पे माइकोप्लाज्मा पाए जाते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा का, माइकोप्लाज्मा जेनिटालियम, माइकोप्लाज्मा गैनिसेप्टिकम, ये सारे जो हैं कुछ जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काज करते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा जेनिटालियम ये ह्यूमन बींग्स में जो है सेक्सुअल डिजीजेस कुछ काज करते हैं। तो ये पूरा कैरेक्टर्स हो गया माइकोप्लाज्मा के बारे में। अब एक लास्ट ग्रुप बचता है मोनेरा में, वो है साइनोबैक्टीरिया का। नाम से क्लियर है, साइनो जहां भी मतलब आ जाए उसका मतलब होता है ब्लू, साइनो मतलब ब्लू, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया तो है ही है। कुछ किताबों में साइनोबैक्टीरिया को यल्गी वाले चैप्टर में दिखाया गया है, लेकिन असल में ये बैक्टीरिया होते हैं, इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन क्यों, क्योंकि ये दिखने में ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं। एल्गी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनकी बॉडी में कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं तभी तो ये ब्लू ग्रीन होते हैं, इनमें कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसकी मदद से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये हो गए, ये ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स हो गए। ऑक्सीजेनिक मतलब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, और फोटोट्रॉप्स मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स हो गए। इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे एनाबीना, एनाबीना हो गया, नाउस्टॉक हो गया, नाउस्टॉक हो गया, ठीक है। इन सब का ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, इनकी सेल में जो है मतलब कुछ सेल इनकी जो होती है वो स्पेशलाइज हो जाती है और हेटरोसिस्ट नामक संरचना बनाती है जिसमें जो है नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम पाया जाता है और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसलिए इनका प्रयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी किया जाता है। इनकी सेल कुछ इस प्रकार से होती है, मतलब ये कुछ फिलामेंटस प्रकार के होते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ नाउस्टॉक, सो नाउस्टॉक कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल हो गए, वेजिटेटिव सेल हो गए, ये तो अपना फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेसिस ये करेंगे। ये जो डार्क वाला दिख रहा है ये है हेटरोसिस्ट, हेटरोसिस्ट में जो है
नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम पाया जाता है। नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम पाया जाता है, ये नाइट्रोजिनेज जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देता है। क्या कर देता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर देता है, जिसको जो है पौधे जो है नाइट्रोजन की सप्लाई के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। यही कारण है कि साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है। तो ये जितने जो है मोनेरा किंगडम में जिन जिन जीवों को शामिल किया गया है उसके बारे में चर्चा हो गई। अगर चाहिए तो एक बार और समझ लेते हैं। चलिए एक बार और थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया हमने। किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं, क्विटेकर्स के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हम पढ़ रहे हैं। किंगडम मोनेरा, मोनेरा में उन जीवों को शामिल किया जाता है जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, मतलब पूरे संसार में ये पाए जाते हैं, डाइवर्स हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, मतलब जल, जंगल, जमीन, जहां सब जगह पे ये पाए जाते हैं। किन किन को मोनेरा में शामिल किया जाता है? मोनेरा में कुल 4 ग्रुप है जिनको शामिल करते हैं, बैक्टीरिया को, आर्की बैक्टीरिया को, माइकोप्लाज्मा को और साइनो बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया क्या होते हैं कि ये ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी सेल कुछ इस तरह से दिखती है। इनका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। राइबोसोम इनमें 70S प्रकार का होता है। डिफरेंट शेप के ये होते हैं, कुछ स्फेरिकल होते हैं जिन्हें कोकाई कहते हैं, कुछ राड शेप होते हैं जिन्हें बैसिलाई कहते हैं, कुछ कामा शेप होते हैं जिन्हें विब्रियो कहते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं जिनको स्पाइरिलम कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया हो गया। आर्की बैक्टीरिया, ये भी बैक्टीरिया है लेकिन बहुत प्रिमिटिव बैक्टीरिया है और स्पेशल प्रकार के बैक्टीरिया ये हैं। अगर ये हाई टेम्परेचर पे, मतलब ये मेनली जो है एक्सट्रीम कंडीशन पे पाए जाते हैं, मतलब या तो बहुत ज्यादा गर्मी हो या बहुत ज्यादा ठंडी हो, पीएच बहुत कम हो या पीएच बहुत ज्यादा हो, ऐसी कंडीशन में आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे कोई बैक्टीरिया पाया जा रहा है या कोई जीव पाया जा रहा है तो उसे थर्मोफाइल्स कहते हैं। अगर सलाइन कंडीशन में, यहाँ पे जहां पे बहुत ज्यादा खारापन है वहां पर कोई जीव पाया जा रहा है तो उसे हेलोफाइल्स कहते हैं। इनकी जो सेलवाल होती है आर्की बैक्टीरिया की वो सूडोम्यूरिन की बनी होती है। और एग्जाम्पल है मिथेनोजेंस, जो बायोगैस पावर प्लांट होते हैं उनमें मिथेन का प्रोडक्शन यही जो है आर्की बैक्टीरिया यानी मिथेनोजेन करते हैं। माइकोप्लाज्मा, इसी में एक अगला ग्रुप है माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबके सब प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे सेल वॉल अब्सेंट होता है। सेल वॉल इज अब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा, दे आर एनएरोबिक, दैट इज ऑक्सीजन जहां पे अब्सेंट होगा वहां पे माइकोप्लाज्मा पाए जाते हैं। इनकी सेल कुछ इस तरह से दिखती है, जो चारों तरफ की, जो इनके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे ट्राइलैमिनर मेम्ब्रेन कहते हैं। जेनेटिक मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे बिखरा रहता है क्योंकि न्यूक्लियस यहां भी अब्सेंट होता है। लास्ट ग्रुप बचा साइनोबैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया का जो कलर होता है वो ब्लू ग्रीन कलर होता है, इसलिए इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। लेकिन ये एल्गी नहीं है बल्कि बैक्टीरिया होते हैं। ये ऑक्सीजेनिक फोटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं और फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना और नॉस्टॉक, ये 2 एग्जांपल हैं साइनोबैक्टीरिया के। ये नॉस्टॉक का डायग्राम बनाया गया है। फिलामेंटस होते हैं वेजिटेटिव सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और हेटरोसिस्ट कुछ स्पेशल सेल पाए जाते हैं जिन्हें हेटरोसिस्ट कहते हैं, और हेटरोसिस्ट में नाइट्रोजिनेज नामक एंजाइम पाया जाता है जो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। यही कारण है कि साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी को एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा। अब अगला किंगडम कौन सा होगा? अगला किंगडम जो है प्रोटिस्टा है, किंगडम प्रोटिस्टा है। तो मोनेरा हो गया, सब कुछ नोट कर लीजिए।
क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एनसीईआरटी 11th की बुक है बायोलॉजी की, उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा दिया गया है, ज्यादा कुछ समझाया नहीं गया है। और नीट के एग्जाम में इतना सिंपल नहीं पूछा जाता, थोड़ा सा डीप में जाया जाता है, बच्चों के नॉलेज को चेक किया जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मतलब डीप में पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा आपको हो सकता है कि आपको कम समझ में आए। अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे सब बताया करिए कमेंट के माध्यम से कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये सब नोट कर लीजिए, अगला जो लेक्चर होगा वो माइक्रो वो प्रोटिस्टा का होगा, किंगडम प्रोटिस्टा का होगा। तो चलिए आज के लिए इतना।